हेड से बीजेपी उम्मीदवार, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नामांकन कराया जी, मुख्यमंत्री को कितनी चुनौती मिलेगी? देखिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी ने काम किया और इतने विरोधों के बावजूद जिस तरह से वो खड़े रहे और अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का काम किया, उससे जनता का पूरा विश्वास उन पर है और पहले की तुलना में और ज्यादा वोटों से हम लोग सब जीतेंगे और इस बार हमारी फिर से सरकार बनेगी। क्योंकि एक तो मैया सम्मान योजना महिला के लिए उन्होंने सोचा भाजपा के कार्यकाल में, आपको पता होगा कि 2000 साल से लेकर 2024 के बीच में 17-18 साल तक सिर्फ भाजपा यहां पर रही है और कई मुख्यमंत्री रहे हैं, इसके बावजूद उस समय महिला तस्करी, लड़कियों की तस्करी चरम सीमा पर थी, वो भी आदिवासी और मूलवासी लड़कियों की। नाबालिग लड़कियों को दलाल आते थे, यहाँ प्लेसमेंट एजेंसी खोल रखा था उन्होंने, दिल्ली में खोल रखा था, और उनको नौकरी देने के नाम पर दिल्ली, असम, चंडीगढ़ कहाँ कहाँ ले जाते थे झुंड के झुंड, और उनका किस तरह से शोषण होता था ये किसी छिपावन नहीं है। और माननीय हेमंत सोरेन जी ने सबको रोका। एक पन्ना लाल नाम के ट्रैफिकर थे भाजपा के कार्यकाल के, जो लगभग 15,000 आदिवासी लड़कियों की तस्करी कर चुके थे, जेल में है वो। तो इस तरह से उनको सम्मानजनक रोजगार से जोड़ना, उनको कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए हर तरह की मदद करना, आपको पता होगा कि स्किल डेवलपमेंट वगैरह करा के किस तरह से सब्सिडी रेट में उनको लोन दिया जा रहा है, समूह बना के उनको मदद की जा रही है, उनकी बनाए चीजों की मार्केटिंग के लिए पलाश ब्रांड लॉन्च किया गया है ताकि उसकी दिक्कत ना हो। तो वो यहां महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उन्हें सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने के लिए तरह तरह की योजनाएं उन्होंने लॉन्च की है और वो चाहते हैं कि झारखंड इस देश का नंबर वन राज्य बने। तो इतना कार्य वो कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए सोचा है उन्होंने, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ताकि लड़कियां पैसे के अभाव में पढ़ाई न छोड़े, उसके लिए 40,000 रूपये उनको दिया जा रहा है, हर तरह से सपोर्ट किया जा रहा है यहां की बच्चियों को, यहां के युवाओं को विश्व के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भेजा जा रहा है। आपको पता होगा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक में हमारी बच्चियां पढ़ने जा रही हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो हर तरह से यहां पर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 25 लाख तक लोन दे रही है, उसमें कितना सब्सिडी है, तो हर तरह से मदद कर रहे हैं और इसलिए यहां की जनता फिर से उन्हें चुनेगी, किसी भी तरह की चुनौती यहां नहीं है। आज 24% है पूरे देश में, लेकिन अगर झारखंड की बात की जाए तो संथाल महिलाओं में 15% ये बढ़ी है, यानी 11% बांग्लादेशी घुस बैठी है जिन्हें तो झारखंड में है, और ये झारखंड सरकार इसे स्वीकार भी कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है, लेकिन भाजपा चुप नहीं बैठेगी और इस पर ये चुनाव मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दा है ये मैं भी कहती हूँ, अगर किसी दूसरे कंट्री से कोई प्रवेश कर रहा है किसी हमारे कंट्री में, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, ना कि राज्य सरकार की। अगर वो विफल रही है केंद्र सरकार और अपनी खामियों को वो थोप रही है राज्य सरकार पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है, कैसे वो लोग घुसपैठ कर रहे हैं, ये केंद्र को जवाब देना चाहिए, उनकी होम मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए, उन्हें रिजाइन करना चाहिए कि भाई आप देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप राज्य सरकार पर थोप रहे हैं, और जो भी घुसपैठी है वो असम के रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री झारखंड में आके यहां के आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। असम में किस तरह से आदिवासी लड़की को निर्वस्त्र करके अपमानित किया गया था, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, वहां पर चाय के बागानों को वहां डेवलप करने में यहां के हमारे आदिवासी बहनों और भाइयों का योगदान है, 5-5 पीढ़ियां वहां पर रह रही है, असम की इकोनॉमी में उनका योगदान है, और वो लोग वहां पर स्पेशल ट्राइब का दर्जा मांगने के लिए कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें तो कोई दर्जा नहीं मिल रहा है, वहां खूनी संघर्ष हो रहा है, उस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की नजर नहीं है, और वो झारखंड के आदिवासियों के साथ न्याय करेंगे? पहले तो अपने स्टेट में रहने वाले हमारे झारखंडी आदिवासी भाइयों बहनों को वहां का स्पेशल दर्जा दे, उनको नहीं देंगे, और वहां की इकोनॉमी में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, आप वहां एक आदिवासी लड़की को निर्वस्त्र करके अपमानित करते हैं वहां पर असम के लोग, और यहां पर आदिवासी को आप क्या न्याय दिलाएंगे, आप इसको भी असम बनाना चाहते हैं? किसी काम दुबे के